स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग नल लाइंस एंड नल प्लेन्स। लास्ट लेक्चर में हमने नल लाइंस नल प्लेन के ऊपर ही थ्योरम की। इस लेक्चर में भी हम थ्योरम और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन नल लाइन नल प्लेन एज वेल एज नल पॉइंट। सो कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट, लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट किया था नल प्लेन का। वी हैव ऑब्टेन नल प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। This time we have to find null point when the plane is given to you. Clear? So to find the null point of the plane, this is the plane, you have to find null point of this plane. For the system of forces x, y, z, l, m, n. अब ये system of forces में x, y, z, l, m, n given है, it means you have reduced the system of forces into a single force, resultant force whose components are x, y, z together with a couple whose components are, so the system is reduced to a single force whose component are x, y, z and a couple whose components are l, m, n. So let us take, let the given plane is, let the plane is, let the given plane is lx plus my प्लस nz इक्वल टू 1, मेक दिस एज नंबर 1। हमने निकालना क्या है, नल पॉइंट। लेट x डैश y डैश z डैश बी नल पॉइंट ऑफ प्लेन 1। अब अगर आपके पास x डैश y डैश z डैश नल पॉइंट है इस प्लेन का, तो ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, मींस इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। सो दिस इंप्लाइज एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश इज इक्वल टू 1। एंड वी हैव ऑल्सो ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ नल प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। हमने ये किया था इक्वेशन ऑफ नल प्लेन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ए बी सी। सो लेट अस राइट इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन, द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, पासिंग थ्रू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश is given as कैसे लिखते थे हम, एल एम एन। अब या तो उसको लर्न कर लो इक्वेशन ऑफ नल प्लेन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ए बी सी, या फिर आपने कैसे बनानी है वो समझो। यहां पे एल एम एन लिखोगे एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, क्लियर, जिस पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर एबीसी से कर रही है तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की जगह एबीसी एंड एक्स वाई एंड जेड। सो लेट अस नाउ कंस्ट्रक्ट, दिस इज एक्स इंटू एल माइनस, कैसे लिखते थे हम नल प्लेन, एल डैश इंटू एक्स, डायरेक्शन को साइंस ऑफ जी डैश, तो वो एल डैश हम यहां से निकालेंगे। इट इज एल माइनस, इसके इस वाले रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, दिस इज वाई डैश इंटू जेड एंड जेड डैश इंटू वाई। So it is L minus y dash into z minus z dash into y plus y times m minus this in, वैसे तो this into this this, but m के लिए this into this, z dash into x minus z dash into x minus x dash into z, clear, plus z times n minus this into this minus this into this x dash y minus y dash x is equal to left hand side, right hand side पे क्या होता था, एल ए प्लस एम एम बी प्लस एन सी। सो अब यहां पे ए बी सी की जगह क्या, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो इट इज एल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश, ठीक है। सो अब आपके पास आ क्या गया, ये दिस इज एक्स टाइम्स एल माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश वाई,
y times m minus z dash x plus x dash z plus z times n minus x dash y plus y dash x will be equal to x dash m y dash plus n z dash. This is number 3. अब ये भी इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू x डैश y डैश z डैश और ये भी इक्वेशन ऑफ नल प्लेन थ्रू x डैश y डैश z डैश. तो आपके पास 2 एंड 3 रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन, सो यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स. सॉरी 2 एंड नॉट दिस इज इक्वेशन. 1 एंड 3 रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन, तो comparing coefficients of x, y and z. What we will get? We will get, this is equation of plane, 3 is equation of plane and 1 is also equation of plane. This is also null plane, this is also null plane. ठीक है? So, we can compare the coefficients of x. So, we are, आपके पास क्या आ जाएगा? L minus y dash z plus z dash y upon L is equal to M minus Z dash X plus X dash Z upon M is equal to, this is N minus X dash Y plus Y dash X upon N is equal to L X dash plus M Y dash plus N dash Z dash upon 1. So this as number 4. So, इसके बाद let us solve first 2, first 3rd, second 3rd. So, taking first 2 members, we have L minus y dash z plus z dash y upon L equal to M minus z dash x plus x dash z upon M. So, after solving, solve this equation. This is z dash y lm minus l z dash x plus l x dash z. So, z ke coefficients ikatthe karo or capital Y and x. What will you get? Mn minus m y dash z plus m z dash y lm minus l z dash x plus L X dash Z. So, Z यहां पे और यहां पे. So, it is M. This is minus M Y dash plus L X dash Z plus M Z dash Y plus L Z dash X will be equal to L M minus M N. अब यहां पे आप देखो, this is m y dash plus l x dash. यहां पे आपके पास m y dash plus l x dash की क्या वैल्यू है? From 2, it will be l x dash plus m y dash will be equal to 1 minus n z dash. So, using 2, we have minus 1 minus n z dash into z plus m z dash into y plus l x z dash x is equal to m l m minus m l. So, what will you get? This is minus z multiply plus n z dash capital Z plus m z dash capital Y plus l z dash x is equal to l m minus m l. अगर आप इसको ध्यान से देखो, आपके पास z dash की वैल्यू आ गई, ठीक है? So take z dash common, so it is nz plus my plus lx into z dash is equal to lm plus minus ml minus ml plus z, clear? So what is z dash? So z dash will be now equal to lm minus ml plus z upon lx plus my plus nz.
हमें नल पॉइंट निकालना था, मींस हमें क्या निकालना था, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। सो जेड डैश आपके पास आ गया। अब हम निकालेंगे एक्स डैश एंड वाई डैश। सो लेट अस नाउ टेक फर्स्ट एंड थर्ड। सो लेट अस नाउ टेक मेंबर फर्स्ट एंड थर्ड। अभी हमने लिया था फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यू हैव एल माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश वाई अपॉन एल इज इक्वल टू एन माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स अपॉन एन। सो व्हाट विल यू गेट, दिस इज एन टाइम्स एल माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश वाई इज इक्वल टू एल टाइम्स एन माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स। क्लियर? सो इट इज एन एल माइनस एन वाई डैश जेड प्लस एन जेड डैश वाई इज इक्वल टू एल एन माइनस एल एक्स डैश वाई प्लस एल वाई डैश एक्स। फिर से हमने क्या करना है, कोफिशियंट्स। अब यहां पे y का है, ये y का है, इनको कंबाइन करो, एल जेड डैश प्लस एल एक्स डैश टाइम्स वाई डैश माइनस एन वाई डैश जेड प्लस, यहां पे भी माइनस, दिस इज माइनस एल वाई डैश एक्स इज इक्वल टू एल एन माइनस एन एल। क्लियर? सो आप यहां पे देखो फ्रॉम सेकेंड एन जेड डैश प्लस एल एक्स डैश की क्या वैल्यू है, वन माइनस एम वाई डैश। सो यूजिंग टू वी हैव वन माइनस एम वाई डैश इंटू वाई एन वाई डैश इंटू जेड माइनस एल वाई डैश एक्स इज इक्वल टू एन एल एन माइनस एन एल। क्लियर? सो व्हाट विल यू गेट, सारे आपके पास y डैश के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो, यू हैव माइनस m टाइम्स y प्लस n टाइम्स z प्लस l टाइम्स x टाइम्स y डैश इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज प्लस y, दिस इज प्लस y इज इक्वल टू एल एन माइनस एन एल। सो व्हाट इज y डैश इक्वल टू, y डैश इज इक्वल टू, टेक माइनस यहां से कॉमन, दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो इट इज एन एल माइनस एल एन प्लस वाई अपॉन में आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। सो वाई डैश भी आ गया आपके पास, वाई डैश इज इक्वल टू एन एल माइनस एल एन प्लस वाई अपॉन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। क्लियर? अब हम लेंगे सेकेंड एंड थर्ड रिलेशन। सो टेक सेकेंड एंड थर्ड टू फाइंड एक्स डैश। वी हैव एम माइनस जेड डैश एक्स प्लस एक्स डैश जेड अपॉन एम इज इक्वल टू एन माइनस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स अपॉन एन। क्लियर? सो यू हैव एन एम माइनस एन जेड डैश एक्स प्लस एन एक्स डैश जेड इज इक्वल टू एम एन माइनस एम एक्स डैश वाई प्लस एम वाई डैश एक्स। अब आप किसके कोफिशियंट्स को कलेक्ट करोगे, कैपिटल एक्स के। सो व्हाट विल यू गेट, दिस इज माइनस एन डैश जेड डैश प्लस एम वाई डैश इंटू कैपिटल एक्स प्लस एन एक्स डैश जेड प्लस एम एक्स डैश वाई इज इक्वल टू एम एन माइनस एन एन। क्लियर? सो यू हैव, अब यहां पे देखो एन जेड डैश प्लस एम वाई डैश की क्या वैल्यू आएगी, वन माइनस एल एक्स डैश। सो इट इज वन माइनस एल एक्स डैश इंटू एक्स प्लस एन एक्स डैश जेड प्लस एम एक्स डैश वाई इज इक्वल टू एम एन माइनस एन एम। नाउ कलेक्ट कोफिशियंट्स ऑफ एक्स डैश टू फाइंड एक्स डैश। सो व्हाट आर कोफिशियंट्स ऑफ एक्स डैश,
This is minus with minus minus plus. So it is L x dash. It is L capital X plus M capital Y plus N Z. This is minus X. So उधर जाके this is plus. So it is N M plus X. So what is X dash equal to N M? Sorry, M N. It is M N minus N M plus capital X L X plus M Y plus N Z. So we have X dash as M N minus N M plus X upon L X plus M Y plus N Z. So this is how we get null point. So therefore X dash, Y dash, Z dash given by above values are the null point, is the null point of the given plane. So this completes the theorem. Students, now question based on the theorem, find null point of the plane X plus Y plus Z equal to 0 for the force system X. System is XYZ LMN. So based on the theorem, फिर से इसका solution, let the equation of given plane, equation of given plane is X plus Y plus Z equal to 0. Mark this as 1. Now let हमने null point निकालना है. X dash, Y dash, Z dash be the null point of given plane, one point of one. अगर आपके पास X dash, Y dash, Z dash null point है plane one का, तो ये इसको satisfy करेगा और you can say इसके ऊपर ही lie करेगा. So you have X dash plus Y dash plus Z dash equal to 0. Mark this as 2. This become a relation now. Next is equation of. We also know equation of null plane passing through any point A, B, C. So write here equation of null plane. फिर से जैसे हमने किया था L, M, N equation of null plane. या तो आप learn कर लो या फिर इस तरह से निकाल लो. X dash, Y dash, Z dash. And X, Y and Z. यहां पे point, यहां component, यहां ऊपर G के component, नीचे R के component. So equation of, we know that equation of null plane passing through any point X dash, Y dash, Z dash is given by equation, write the equation, X times, this is यहां से start कर रही हूं, X times L minus Y dash Z minus Z dash Y plus Y times, this is Y Z dash X minus X dash Z plus Z times, sorry, this is Y times plus Y times L M minus this. So Z times N minus this into this minus this into this. So X dash Y minus Y dash X is equal to L X dash plus M Y dash plus N Z dash. Clear? So this can be now written as X L minus Y dash Z plus Z dash Y plus Y times M minus Z dash X minus plus X dash Z plus Z times N minus X dash Y plus Y dash X is equal to L X dash plus M Y dash plus N Z dash. Mark this as number 3. So आपके पास equation 1 भी plane को represent कर रही है और equation 3 भी. तो आप X के coefficients को
proportionate, or you can say comparing 1 and 3. So comparing 1 and 3, you will get L minus Y dash Z plus Z dash Y upon 1, where coefficient of X is 1, Y is 1 and Z is 1, plus, is equal to M minus Z dash X plus X dash Z upon 1, coefficient of Y is 1, N minus X dash Y plus Y dash X upon 1, is equal to Lx dash plus My dash plus Nz dash upon 0. Students, हमने निकालना क्या है? Value of null point. Means you have to find X dash, Y dash and Z dash. So, again take first two members, 1 and 2. Next, first and 3 and second and 3rd. So, let us now calculate the equations. So, taking first and second, we have L minus Y dash Z plus Z dash Y upon 1 is equal to M minus Z dash X plus X dash Z upon 1. Solving this, we have L minus Y dash Z plus Z dash Y is equal to M minus Z dash X plus X dash Z. अब हम क्या करेंगे? Take coefficients of z. So you have minus y dash minus plus x dash times z times y plus z times x, z dash times x is equal to m minus n. So what is value of x dash plus y dash? X dash plus y dash is minus of z dash. So it is minus of minus z dash times z plus z times y plus z dash times x is equal to m minus n. So what will you get? You will get x plus y plus z times z dash is equal to m minus n. So z dash is equal to m minus l upon x plus y plus z. So a point ka aapke paas a coordinate aa gaya z dash. Ab hum kya nikalenge? X dash and y dash. So, taking first and third, so you have L minus Y dash Z plus Z times Y is equal to N times N minus X dash Y plus Y dash X. So, what will you get? Take coefficients of Y. So, you have L minus Y dash Z plus Z dash plus X dash times Y. Clear? Minus y dash times x is equal to n, and take this l here, n minus l. So what is z dash plus x dash? Z dash plus x dash is minus y dash. So using 2, we have minus y dash here, so minus y dash common out, so it is z plus y plus x is equal to n minus l. So what is y dash? It is L minus N upon X plus Y plus Z. So, this is value of Y dash. Now, we will find value of X dash. X dash ke liye take second and third number. So, what will you get? M minus Z dash X plus X dash Z is equal to N minus X dash Y plus Y dash times capital X. Now, take coefficients of X. So, what will you get? Minus z dash plus y dash times x plus x dash z plus x dash y is equal to n minus m. So, here what is z dash plus y dash? Z dash plus y dash is minus x dash. So, it is x dash x plus y plus z is equal to n minus m. So, what is x dash? It is n minus m upon x plus y plus z. So, आपके पास सारे coordinates आ गए हैं null point के x dash, y dash and z dash. So, this is the null point of the plane x plus y plus z equal to 0. So, students, thank you for watching the video.